संसद में बौखला गई स्मृति ईरानी, चीख चीख कर ले रही दूसरे राज्यों का नाम, उनका रूप देखकर बोले लोग, कंट्रोल मैडम कंट्रोल। संसद में ये रौद्र रूप दिखाने वाली बाल एवं महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी है। मणिपुर के मुद्दे पर इनका ये रूप तब नहीं सामने आया जब वहां तमाम घटनाएं हुई हैं। इनका ये रूप तब सामने आया जब विपक्ष ने इनसे मणिपुर पर जवाब मांगा है। मणिपुर के मुद्दे पर संसद की कार्यवाही हर दिन स्थगित हो रही है। पीएम मोदी संसद में चर्चा से भाग रहे हैं, लेकिन विपक्ष हर दिन जवाब मांग रहा है कि पीएम मोदी मणिपुर पर चर्चा करें और जवाब दें। इससे मोदी सरकार न सिर्फ बौखलाई हुई है बल्कि डरी हुई भी है। मुद्दे को भटकाने के लिए दूसरे राज्यों का नाम ले रही है। बीजेपी नेता और मंत्री ये सवाल कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ये क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है। आपने ध्यान से सुना, स्मृति ईरानी भी गुस्से में आग बबूला होकर और चीख चीख कर यही कह रही हैं कि क्या आप में हिम्मत है चर्चा करने की, कि बंगाल में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। अब मेरा सवाल यह है कि आप इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल कर लीजिए, आप इस चर्चे में मध्य प्रदेश को भी शामिल कर लीजिए, इससे क्या होगा? इससे मणिपुर का मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा और बात खत्म हो जाएगी। मेरा सवाल यह भी है कि मणिपुर में जो हाल है, क्या दूसरे राज्यों में भी वही हाल है? क्या दूसरे राज्य भी 3 महीने से जल रहे हैं? तो क्यों बीजेपी नेता और मंत्री ध्यान भटकाने के लिए दूसरे राज्यों का नाम ले रहे हैं? क्या मोदी सरकार डर गई है? क्या मोदी सरकार को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है? क्या मोदी सरकार सवालों से बौखला रही है? आप मणिपुर के मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, कॉमेंट करके जरूर बताइए।